गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास सेवन्थ का जो चैप्टर एट है, एक्सरसाइज 8.2। फर्स्ट क्वेश्चन है, कन्वर्ट द गिवन फ्रैक्शनल्स नंबर्स टू द परसेंटेज। फ्रैक्शन नंबर को हमने परसेंटेज में चेंज करना है। जैसे 1/8 है, 5/4 है, 3/40 है, 2/7, इनको हमने परसेंटेज में चेंज करने के लिए इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, 1/8 को परसेंटेज में चेंज करना है, तो 1/8 इंटू 100 करेंगे, तो 4 2 8 इनको कट कर देना है और 4 25 भी कैंसिल हो जाता है, तो 25 × 2 तो 12.5% आ जाता है। 5/4 को परसेंटेज में चेंज कर दो, इंटू 100 करेंगे, 25 पर कट जाता है, 25 × 5 = 125% आ जाता है। ऐसे 3/40 को हमने परसेंटेज में चेंज करना है, 3/40 × 100 से मल्टीप्लाई करना है परसेंटेज निकालने की, 0 से 0 कट जाती है। 30/4 को 2 2 = 4 and 2 15 = 30, 15/2 = 7.5%, ऐसे आपने डी पार्ट करना है। इसमें हमने जो है परसेंटेज निकालने के लिए जो है इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है। सेकंड क्वेश्चन में कन्वर्ट द गिवन डेसिमल फ्रैक्शन टू द परसेंटेज। जो डेसिमल फ्रैक्शन दिए गए इसको हमने जो है परसेंटेज में चेंज करना है। क्या करेंगे, जैसे 0.65 है, यहाँ से पॉइंट कट करेंगे, 100 आ गया, और इंटू 100 करेंगे परसेंटेज में चेंज करने के लिए। हम क्या करते हैं, इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से 100 कट जाता है, 65% आ गया। 2.1 है, 2.1 का मीनिंग 21/10 बन जाता है, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो 100 की 0 से 0 कट जाती है, 210, इट मीन्स हमारे पास 210% आ गया है। ठीक है, ऐसे 0.02 को करोगे, तो इसको पॉइंट कट करेंगे तो 2 डिजिट है, तो 100 आ गया, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों 0 कट जाती है, तो 2% आ गया। 12.35 का पॉइंट कट करेंगे तो 35 की जगह हमारे पास नीचे आ जाएगा 0 0, 100 आएगा, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12.35% आ गया। ऐसे आपके पास जो है परसेंटेज निकालने के लिए आपने 100 से मल्टीप्लाई करना है इसको। क्वेश्चन नंबर 3 में एस्टिमेट करना है, एस्टिमेट द व्हाट पार्ट ऑफ द फिगर इज कलर्ड एंड हैंस फाइंड द परसेंटेज। अब देखो, अगर हम इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं तो हमारे पास 1 2 3 4 पार्ट है ये, तो ये हमारे पास जो है इसका 1/4 पार्ट है, ये जो कलर्ड है, 1 पार्ट है, 4 में से 1 पार्ट कलर्ड है, तो इट मीन्स 1/4 पार्ट। 1/4 × 100 करेंगे, क्योंकि परसेंटेज में भी करना है इसको, तो 1/4 पार्ट है, तो 1/4 × 100 तो 25% आ गया, 25 पर कैंसिल हो जाता है। यहाँ पर देखो कितने पार्ट है, 1 2 3 4 5 पार्ट है, टोटल 5 में से 1 2 3 कलर्ड हैं, तो हम क्या लिखेंगे इसको, 3/5 पार्ट्स, तो 3/5 × 100 करेंगे, कट करेंगे तो 60% आ जाएगा। ये थर्ड में हमारे पास देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट है, ये 8 में से 3 कलर्ड हैं, तो 3/8 हो गया, तो 3/8 × 100, तो इसको 300 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 37.5 आ जाएगा। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या दिया, 15% ऑफ द 250, हमने 250 का 15% निकालना है। क्या करेंगे, 15% ऑफ द 250 का 15% 15 × 100 करेंगे, तो 0 से 0 कट जाते हैं, 5 2 = 10, 5 5 = 25, और 15 5 = 75/2, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 37.5। नेक्स्ट हमारे पास है 1% ऑफ द 1 आवर्स। 1 आवर्स में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, यानी 1 आवर का 1% निकालना है, तो इट मीन 60 मिनट का 1% निकालना है, तो 0 से 0 कट जाते हैं, तो 3/5 मिनट्स आ जाते हैं इसका आंसर। ठीक है, इसको कट करोगे, 20% ऑफ द 2500 का 2500 का 20% निकालना है, इट मीन 20/100 कर देना है साथ में, 0 से 0 कट जाती है, तो 500 आ जाता है हमारे पास ही। ऐसे हमारे पास इसका डी पार्ट है, 75% ऑफ द 1 kg, 75% ऑफ 1 kg का क्या होगा, 1 kg × 75/100, 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम का 75% निकालेंगे तो 750 ग्राम आ जाएगा हमारे पास ही। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये फाइंड द होल क्वांटिटी निकालनी है, 5% ऑफ इट इज 600, जो हमारे पास नहीं दिया है वो होल क्वांटिटी नहीं दी है, उसका 5% जो है 600 है, हम उसको ले लेते हैं, लेट होल क्वांटिटी इज़ द 5x, तो एक्स 5% होल क्वांटिटी का 600, होल क्वांटिटी हमने x लिया है, तो x का 5% करेंगे तो 600 आ गया। 5% मीन्स 5/100 है, तो इधर 100/5 हो जाता है, और जो कट जाते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 12,000। ऐसे ही हमारे पास सेकंड पार्ट है, 12% ऑफ इट इज़ 1080, इट मीन्स होल का दिया गया है 1080, 12%, तो एक्स इंटू 12/100 × 1 = 1080, तो 12/100 करेंगे तो इधर जाके उल्टा हो जाता है, 100/12 12 9 = 108, 0 आ जाती है, तो 9000 आंसर आ जाता है। ऐसे आपने सी पार्ट करना है, और डी पार्ट करना है, और ई पार्ट करना है, मैंने आपको दिखा दिया क्वेश्चन कर रखे, ये आपने खुद भी करने हैं।
क्वेश्चन नंबर सिक्स में कन्वर्ट द गिवन परसेंटेज टू द डेसिमल फ्रैक्शन एंड आल्सो फ्रैक्शन टू द सिंपलेस्ट फॉर्म। इसको हमने डेसिमल में और फ्रैक्शन में चेंज करना है। जैसे 25% को हम क्या नोट कर सकते हैं, 25/100 कट करोगे तो 1/4 आ गया इसका फ्रैक्शन में ये। लेकिन इसको डेसिमल में करना 25% को 25/100 तो कितनी जीरो है, 2 0 है, तो डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा देना, 5 और 2 छोड़ के यहाँ पर डेसिमल आ जाएगा। ये डेसिमल फॉर्म है, ये लोवेस्ट फॉर्म है। ऐसे 150% को हम क्या करेंगे, 150/100 जीरो से जीरो कट जाते हैं, 5 3 15, 5 2 10, 3/2 आ गया। और यहाँ पर अगर इसको करोगे डायरेक्ट 150/100 20 से जीरो कट जाती है, तो 1 डिजिट छोड़ के यहाँ पर डेसिमल आ जाता है। ऐसे ही आपने इसका सी पार्ट करना है, डी पार्ट करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, इन ए सिटी 30% आर फीमेल, 40% आर मेल, रिमेनिंग आर चिल्ड्रन। इट मीन्स 30% फीमेल है, 40% मेल है, दोनों को ऐड करोगे कितना हो गया, 70% हो गया। और टोटल कितना होता है, 100%, 100 में से 70 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 30% आ जाएगा चिल्ड्रन। यहाँ पर नोट करेंगे 50 फीमेल कितने हैं, 30%, मेल कितने हैं, 40%, चिल्ड्रन कितने हैं, 100 माइनस 30 प्लस 40 कितना आ जाएगा, 100 माइनस 70 करोगे तो 30%, चिल्ड्रन कितने हो गए हैं, 30% आ चुके हैं। ये हमारे पास टोटल परसेंटेज में से है। आगे है कि आउट ऑफ द 15,000 वोटर्स इन ए कंपनी इन कंस्टिट्यूएंसी 60% इज वोटेड, फाइंड द परसेंटेज ऑफ वोटर्स हु डिड नॉट वोट। कैन यू नाउ फाइंड हाउ मैनी एक्चुअली डिड नॉट वोट। इसमें देख 60% ने वोट दिया है और कितनों ने नहीं दिया है, 40% ने वोट नहीं दिया है, 60% ने तो वोट दिया है, 40% ने वोट नहीं दिया। हम नोट करेंगे टोटल वोटर 15,000, नंबर ऑफ पर्सन हु वोटेड कितने परसेंटेज में कितनों ने दिया है वोट, 60% ने, और नंबर ऑफ वोटर्स नंबर ऑफ पर्सन हु डिड नॉट वोटेड जिन्होंने वोट नहीं दिया 100 माइनस 60, 40% ने वोट नहीं दिया है, तो नंबर ऑफ पर्सन एक्चुअल में कितने होंगे। तो हमारे पास टोटल वोटर का हमने 40% निकालना है, 15,000 का हमने 40% निकालना है, जीरो से जीरो कट जाती है और 15 4 6,000 आ जाते हैं हमारे पास जिन्होंने वोट नहीं दिया है। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें क्या दिया, मीता जो है सेव्स द 4,000 रुपीज़ फ्रॉम हिज सैलरी इफ़ दिस इज़ द 10% ऑफ हर सैलरी। इसमें देखिए 4,000 रुपीज़ सेव करती है मीता, और लेकिन 10% है वो जो सेव करती है। व्हाट इज़ द सैलरी, अभी हमें सैलरी नहीं पता, हम ले लेते हैं लेट द टोटल सैलरी इक्वल टू एक्स रुपीज़। सेविंग कितनी करते हैं 4,000, सेविंग परसेंटेज में कितनी है वो 10% है, तो एक्स का 10% निकालना, टोटल सैलरी का 10% निकालना है 4,000, जीरो से जीरो कट जाती है और 4,000 × 100 तो कितना आ गया 40,000 रुपीज़, टोटल सैलरी आ गई 40,000 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 9, 10, इसमें दिया ए लोकल क्रिकेट टीम प्लेड 20 मैचेस इन वन सीज़न, एक सीज़न में 20 मैच खेलते हैं, इट वन 25% ऑफ दैम, जो क्रिकेट की जो टीम है वो 25% मैच जीत जाते हैं। हाउ मैच डिड दे विन, वो कितने मैच जीतते हैं, ये तो परसेंटेज में हमने एक्चुअली बताने कि कितने मैच जीत जाते हैं। टोटल मैच 20 हैं और वन मैचेस इन परसेंटेज में 25% जीतते हैं, और वन मैचेस टोटल कितने बनेंगे, तो जो टोटल मैचेस है उसको 25% निकालना है, ये 25 4 20 100 हो जाता है और 4 5 20, तो 5 मैचेस जीतते हैं वो, तो वन मैचेस हमारे पास 5 आ जाएंगे, टोटल मैच का 25% जीत जाते हैं तो हमारे पास 5 मैचेस आएंगे, ठीक है। आई होप कि आप सभी को एक क्वेश्चन क्लियर हो चुके होंगे, और 10 के 10 क्वेश्चन आपने अपनी कॉपी में करने हैं और आपने मेरे पास ये व्हाट्सएप कर देने। ओके, थैंक यू बेटा।